सत्संग जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अपने जो स्पीकर आए से डिस्टिंग्विश स्पीकर उन्होंने प्रचार सांझे कर चुके ने ते दो छोटे छोटे शब्द पढ़ने हैं। उस तो पहला सिख सेंटर गुरुद्वारा वालों सारे तो पहला डॉक्टर अमरजीत सिंह जी पिछले संडे भी गुरु घर मिले सन। इन्हों के नाल माता जतेंद्र कौर का जो काल चलाने का जो दुख है उस दुख के शामिल होंगे हाँ गुरुद्वारा सिंह सेंटर वजीनिया वालों। तो डॉक्टर साहब बारे तकरीबन सारे ही बुलारे ने बहुत विस्तारपूर्वक दस दिता है कि डॉक्टर साहब किवें पंथ की सेवा कर रहे हैं। मैं भी तकरीबन डॉक्टर साहब को पहली बारी 1993 अपने सिख फाउंडेशन ऑफ वर्जीनिया एक सैमीनार करवाया सी भाई आग्यापाल सिंह ने, जिदे भाई कावल सिंह बटाला परमजीत सिंह दाखा ते डॉक्टर अमरजीत सिंह जी ने अपने अपने जो स्पीच दित्तियां सन। उस दिन तो ही पता लग मैनू जो स्पीच इन्हां दी सुनी ते इन्नी प्रभावशाली ते स्पीच सी इन्हां दी, उस तो ही पता लग गया सी कि डॉक्टर साहब जो हैगे ने ये पंथ दे महान बुलारे तो हैगे ते नाल दी नाल पंथ नूं सेध दिंदे रहणगे। सो डॉक्टर साहब बारे तकरीबन सारे बुलारे ने बहुत दस्सिया है। तो मैं अखीर दे विच सिख सेंटर वर्जीनिया वालों बाहरों चल के आए बुलारे सारिया संगतां टोरंटो तो कनेडा के होर कुछ शहरों तो अमेरिका के तकरीबन हर मैट्रोपोलिटन एरिया संगत आई ने, तो उन्होंने धन्यवाद करते हैं कि कोई 10 घंटे गाड़ी चला के आया है तो कोई बाय एयर आया है। तो नाल ही हुण मैं बेनती करांगा गुरु घर के मुख ग्रंथी साहबान कि गुरद्वारा सिख सेंटर वर्जीनिया वालों डॉक्टर अमरजीत सिंह जी नूं पग भेट करनगे। सो बेनती करांगा भाई साहब नूं सारे बुलारियां ने पहला बहुत विस्तारपूर्वक दसिया। तो सिर्फ मैं एक इन्नी गल ऐड करांगा जिवें भाई धर्म सिंह फिलाडेल्फिया ने भी दसिया सी, सानू जिहड़ी वड्डी मार पै रही आ उह अपणियां तों पै रही आ। अगर पंजाब दे दुकान वल जाइए तो अज फेक एनकाउंटर की जिहड़ी गल हो रही आ उस वेले पंजाब दे विच 3 जिलों दे विच मेन अत्याचार हो रहा सी, बटाला ते उस तों बाद अपना तरन तारण अते मजीठा। तो उन्होंने जो परसेंटेज कढ़ीए तो 66% सिख एस एस पी सन, परमजीत सिंह गिल और नरेंद्र सिंह तरन तारण सीताराम सी बटाले का। सो आपां लोड़ है अपने बच्चे जिहड़े कलपरेट हैं उन्होंने पहला उछालीए तो उस तो बाद जिहड़ी अपनी लड़ाई है जारी रखिए। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतह। साढ़े इतने लोग डिस्टिंग्विश मैंबर इस मैट्रोपोलिटन एरिया ने सरदार कृष्ण सिंह धालीवाल, उन्होंने मैं बेनती करूँगी सिर्फ 2 मिनट पास से आके आपके विचार साझे कर। वाहेगुरु गुरु प्यारी सत्संग जी, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। मैं हंसरा साहब का बहुत धन्यवादी हाँ कि उन्होंने मेरा भी चेता आया तैयारी तो तकरीबन हर वारी की होंगी है कोई पता नहीं शायद टाइम मिली जाए, तो इस करके पढ़न लिखन की लोड़ नहीं पैंदी। खालसा जी माता जी नूं श्रद्धांजलि देने वास्ते आपां सारे इकट्ठे होए हैं। उस महान हस्ती जिदे जिहड़े शब्दां दे गुलाम नहीं कि असीं कई उन्हां बारे सारे जाणदे आ, प्रैक्टिकल लाइफ साडे नाल विचरदे ने। उह सिख पंथ विच एक शब्द वरत्या जांदा ते गुरमुख रूहां उह जाणदियां ने कि जो आया उहने जाणा ते है ही, लेकिन जिस कार्य वास्ते इत्थे अकाल पुरख ने भेजिया जे उह कार्य उह पूरा नहीं करदा तो हर एक कई जने सुरगवास हो गया, आपां कहिड़ा जाके देखिया। शब्द वरत्या जांदा पूरा हो गया,
पूरा मतलब जो उन्हें कार्य बख्शिया गया सीगा वो पूरा कर लिया अपनी जिंदगी का अकीदा अपनी जिंदगी का माटो जो उन्होंने दिता गया सी कार्य वो संपूर्ण करके गए। इस करके माता जी का अकाल पुरख के चरणों में जाके विराजमान हो जाना असी सैलीब्रेट कर रहे हैं। ते उन्हां नूं सब तो वड्डी श्रद्धांजलि यह होएगी कि जिहड़े उन्हां दे जीवन में गुण सीगे जिवें सारिआं ने हुण दस्सिआ ही आ वो असीं अपने जीवन च धारण कर लेंगे। ये सब तो वड्डी श्रद्धांजलि है कि उन्हां तों वो लै वो सानूं दे गए। माँ का प्यार बच्चों वास्ते उम्र के नाल कभी बुढ़ा नहीं हुंदा वो उदां दा सतगुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी हजूरी अंदर जो बैठे गुरसिख संगत जी अज असीं माता जतेंद्र कौर जी की लाइफ में सैलीब्रेट कर रहे हैं। मैं बेनती करता हूं साढ़े तीन मकसद होंगे है इस मौके से जो होंगे बड़े ही पवित्र हैं तीनों। The first reason is, as a religious, not only religious, but a Sikh of a Guru, Sadae Vidhana, that life does not start with birth and does not end with death. Zindagi janam de naal shuru nahi hundi te maut de naal khatam nahi hundi. It's ongoing phenomenon. एक सिख होने के नाते उस करते दे विच विश्वास होने के नाते साडा सब दा फर्ज बनता है उस विछड़ी रूह दे सतगुरां दे चरणां च निवास लई मिलाप लई अरदास करना। दूजा मकसद होंदा है जो प्राणी इस संसार दे विच जीव के गया है उहदे कंट्रीब्यूशन नूं रिकगनाइज करना। तीसरा मकसद होंदा है अपनी जिंदगी में रिफ्लैक्ट करना कि मैं जिंदगी की कर रही सत्संग डॉक्टर अमरजीत सिंह जी मैं समझदा पाकशील हैं जिन्होंने उस माता का प्यार मिले माहौल मिले वातावरण मिले। संखेप रूप दे विच मैं बेनती करा कि जो नादर शाह दिल्ली लुट के पंजाब चौधरी लंघिया तो सिंह ने लुटिया जखरिया खान जाके पूछता कि हू आर दीज पीपल हिंदुस्तान दे विच कोई मेरे अगे खड़ नहीं सकिया तो हू आर दीज पीपल। वो जखरिया खान संखेप रूप दे विच उन्हों कहिंदा पूछता नादर शाह कौन है ये क्या रखा है ईमान रह कहां क्या है गुजरा ईमान की है धर्म की है करते की ने रेंदे कि सत्संग जो मैं उन्होंने सिखा के जीवन बारे पढ़ता तो डॉक्टर अमरजीत सिंह जी की लाइफ में देखता मैं भी 27 साल हो गए इस कंट्री चाहे आप सब वखरे वखरे ढंग पहुंचे हैं असं बड़ा कुछ बनाया अरे एक गुरु का प्यारा है जिन्हें अपना एक एक श्वास जोड़ा है पंथ की चढ़ती कला जकरिया खान नादर शाह कहता है कौन है ये कह रखा है ईमान रह कहां क्या है गुजरान अगौन जकरिया खान कहता है कहना सिख कहावे गुरके सारे हिंदू अत तुरकन तै न्यारे ये अगली जी गल कमाल की वो कहता है रात कहीं दिन कटत कहीं है राज करेंगे रक्त रहे दिन कितने रेंदे ने रात कितने रेंदे ने पर इको विश्वास इन्हां दा है कि राज करेंगे रक्त रहे। तो यही विश्वास जिहड़ा पिछले 25 साल तो डॉक्टर अमरजीत सिंह जी संगत दे विच सत्संगत जिन्हें विद्वान ने उन्हें हम
उस हंबलनेस का भी कारण है कि जिहड़ा सतगुरु के नाल जुड़िया हुआ है। तो फिर अगे चल के मैं संखेप रूप के गल करा कि वह जदों ज़करिया खान की गल सुनता है तो कहना मारो इन्हें तुम देर ना लागो ढील करो फिर पछतावो, कहने इन्हों मारो जो ढिल की फिर पछताओगे। तो फिर ज़करिया खान कहना है मारे बहुत पर मरते ना ही, जो मारा है तो बढ़ते जाए। फिर नादर शाह कहते इतनी शक्त कहां ते पावे, मरण मारन ते मैं डर पावे। ते उन्हें फिर जरा जवाब दिता सत्संग, वो कह लगा कि मुखते गावे गुर की बाणी पीवे हरि मंदर का पानी। इन्हां दी शक्ति का जरा कारण है वो है अमृत, इन्हां दी शक्ति का कारण है बाणी। ते फिर नतर नादर सोचो मन माहे, पानी पानी दोनों मिटाहे, ना रहे पानी ना रहे बाणी, सिख सिखी आपे मिट जाए। अज भी सच है जो सिख ने अमृत तो नाता तोड़ लिया, जो सिख ने बाणी तो नाता तोड़ लिया, गोली नाल मारन की लोड़ नहीं, आपकी सुसाइड कर आप ही मर जाए। ना रहे पानी ना रहे बाणी, सिख सिखी आपे मिट जानी, पूरे सरोवर गंध भरायो गुरु ग्रंथ को आदि। इस योधे ने डॉक्टर अमरजीत सिंह जी ने जो पिछले 25 साल कौम की सेवा की थी, जो सेध दी है वो कौम इन्हों का शुक्र गुजार है। तो मैं ये करता जी मैं गल दूसरी रूप के बेनती की उन्होंने कंट्रीब्यूशन याद करना, हालांकि असं माता जतेंद्र कौर को डायरेक्टली नहीं जानते, पर जो कंट्रीब्यूट उन्होंने किया है नॉट ओनली द सिख कम्यूनिटी पर इस जगत के उत्ते परोपकार किया है कि यहोजी रूह में यहोजे हिरदे सिख कम्यूनिटी का वारस बना के भेजे है। सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज इन्होंने बख्शिश कर मेहर कर। आओ एक सतगुरु के सिख होने के नाते ये शब्द पढ़िए, तू है वाह तेरी रजाए, जो कुछ करें सोई पर हुए वाह अवर न करना चाहे। आओ प्यार ना सारे ये शब्द सुनिए। तेरी रजा तेरी रजा तेरी रजा तेरी रजा तेरी रजा तेरी रजा, तू है मैं वाह तेरी रजा, तू है मैं वाह तेरी रजा तेरी रजा।
हर हट की माला इन लगत है एक सरगणी हो song
ਸਤਿ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਟਸ ਐਨ ਆਨਰ ਟੂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟੂ ਅਡਰੈਸ ਦਿਸ ਸੰਗਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਮਰੋ ਧਿਆਨ ਤੁਮਾਰੋ ਰੰਗਾ, ਤੁਮਰੀ ਸੇਵਾ तुम्हारे अंगर, जन की टहल संभाखन जन स्यो, उठन बैठन जन के संगर, जन चर रज मुख माथे लागी, आसा पूरन अनंत तरंगर, जन पार ब्रह्म जा की निर्मल महिमा, जन के चरण तीरथ कोट गंगर, जन धूर कियो मजन नानक, जन्म जन्म के हरे कलंगर। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी में जुड़े बैठे सतगुरु जी का अपना आपा गुरु खालसा साध संगत जीओ, आप सब ने मिल के पिछले कई घंटिया तो जिस तरह का माहौल गुरमत की
रोशनी दे विच बाणी दीआं लोरियां दे विच सज्जे मेरे मन दे अंदर तां इही वलवले चल रहे सन कि फरीदा काले मैंडे कपड़े मैं फिर लोग कहन दरवेश ये गल याद रहे गुरसिखां कै मन भावदी गुर सतगुरु की वड्याई वड्याईयां सतगुरु दियां ने बख्शा सतगुरु दियां ने सतगुरु रहमत करन किसे छोटे कद दे बचित्र सिंह दे हाथ च नागड़ी फड़ा के मस्त हाथियां दे मूंह पवा देण ते जे सतगुरु दी रहमत तो सखणे हो जाइए ते फिर दिओ कद दे दुनी चंद कंध टप के दौड़ जांदे ने वड्याईयां गुरु दियां ने हम रुलते फिरते कोई बात न पूछता गुर सतगुर संग कीरे हम थापे। एक गल जरूर इस माहौल ने मेरे अंदर दोबारा रिमाइंड करवाई कि 25 साल बाद मैनू मेरी मां मिली है। शायद लगेगा कि अरदास प्रभु नाल मिलाप दी है उन्होंने वाहगुरु नाल मेल दी है। बहुत बार एहसासां दी फीलिंग्स दी एमोशंस दी कपनी दुनिया हुंदी है ते जदों तुसी किसे थ्रैश होल्ड नूं क्रॉस करना हुंदे जिंदगी दे अंदर कोई फैसले लैने हुंदे ने ते किते ना किते तुसी एमोशन नूं किल कर दो। जदों मैं जिंदगी दा इह फैसला लैण बारे सोच रहा सां कि अपना करियर अपनी फैमिली लाइफ नूं छड्ड के फुल फ्लैश्ड कौमी होणी दे लई अपना आपा समर्पण करने दो ही रस्ते सन जिहड़े उस सारी जनरेशन दे वीर पैणा इत्थे बैठे ने उह जाणदे ने। जुलम दी हनेरी चुल रही सी कौमी अणख नूं परनाए हुए गभरू नौजवान मुटियारां उस टट्ठे अकाल तखत चों उस अकाल तखत नूं सबूते अकाल तखत नूं अपने अंदर सिरज के कौमी अणख दे लई अत ही रण मैं तब जूझ मरो शस्त्रन स्यों अत ही रण पीतर शस्त्रां दे सहारे उस पासे नूं चल रहे सन। आवाज दबी हुई सी कोई गल किसे कंडे लगदी नहीं सी। एक रस्ता वो सी जिहड़ा मैनूं लगा कि शायद वो मेरे सुभा मेरी तरबीयत जां जिस किस्म दा तुहाडा मेकअप हुंदे मेंटल उस दे मुताबक ना होए जां इस नूं तुसी उस तों बियॉन्ड सोचण दी गल वी कह सकदे हो। दूसरा पक्ष कि उस दर्द नूं उस टिरनी नूं उस जुलम नूं उस हकूमती जबर नूं बाहर दी दुनिया दे अंदर बाहर दे ईडियम दे राहीं दस्या जा सके मुल्क नूं छड्डिया जाए। एक बहुत सियाने बजुर्ग जिन्हां तों मैं अक्सर नसीहत लैंदा सां उन्हां नूं मैं अपनी इस दुविधा बारे दस्या कि इन्हां दोनों रस्तियां चों किहड़ा रस्ता अख्तियार किया जाए और खासकर इस थ्रैश होल्ड नूं क्रॉस करन लई की किया जाए। वो लायलपुर इलाके नाल संबंधित सन वो कहन लगे साढ़े लायलपुर च एक सालाना बहुत वड्डा इकट्ठ मेला लगता सी जिथे पंगूड़े वाल लाउण वाले भी आउंदे सी होर भी तरह तरह दीआं खेडां ते टैटू करन वाले भी आउंदे सी टैटूइंग जिहड़े कोई मोर खुणे कोई ओंकार खुणे ते कहन लगे भी मैं अपने चाचे दे नाल वो देखण गया मेला ते मैनूं बहुत वड्डी लंबी लाइन लगी सी टैटू खोद रहे सी ते मैं अपने चाचे नूं कहा कि भी मैं भी मोर खदोणा है ते कहन लगे कि मैनूं उन्होंने कहा कि देख हुण तां इह चंगा लगदा है पर मैं इह तुहानूं सलाह देंगा कि रहण दे इस नूं। कहिंदे जदों मैं जिद कीती उसने मेरे चाचे ने अपनी बांह उपर चुक के मैनूं उह दिखाया जिहड़ा टैटू खुणिया सी ते बड़ा भद्दा लग रहा सी। कहन लगे भी वह बजुर्ग हो गए सी उस स्कैटर्ड सी सारी स्किन दे उत्ते ते ए गल कह के उन्होंने मैनूं यह कहा कि बहुत वार असी जवानी दे विच फैसले लैंदे हैं जज्बात दे थले
ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਟੈਟੂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਇਹ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਰਿਗਰੈਟ ਨਾ ਹੋਏ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਸਪੈਕਟ ਸੋਚ ਲਓ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਖੁਦ ਕਰੋ ਔਰ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਪਸ਼ਚਾਤਾਪ ਦੀ ਲਾਈਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਡੈਸਟਨੀ ਤਾਂ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੁਬਿਧਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੱਢ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਡੈਸਟਨੀ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਨਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਕੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਲੈਣੀ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਔਰ ਮਾਤਾ ਦਾ ਰੋਲ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਏ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਝੱਖੜ ਵੀ ਝੁੱਲੇ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜੰਮੇ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡਿਓ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਭਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਭਰੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸ਼ਿਕਵੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਸਮਝਦਾ ਫਿਲੋਸੋਫੀਕਲ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਚਪਨ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧ ਸਨ। 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਹੋਈ ਕਾਂਗੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੋਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਉਹ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਾਂਗੜਾ ਸਨ ਔਰ ਉਦੋਂ ਕਾਂਗੜਾ ਲਾਹੌਲ ਸਪੀਤੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਆਉਣ ਜਾਣ ਸੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲੇ, ਲੰਮਾ ਵਕਤ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੀ, ਕੈਲੀਗ੍ਰਾਫਿਕ ਹੈਂਡ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ 'ਚੋਂ ਪੋਸਟ ਕਾਰਡ ਹੀ ਲਿਖਦੇ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਸ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿੰਨੀ 15-16 ਸਾਲ ਦੀ ਬਚਤ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ, ਕੇਸ ਲੜਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗਵਾਏ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਗਏ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਪੋਸਟ ਕਾਰਡ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕੈਲੀਗ੍ਰਾਫਿਕ ਰਾਈਟ ਅਪ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ 13 ਅਗਸਤ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ, 13 ਅਗਸਤ 1986 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਅਕਸਰ 4-5 ਮੀਟਿੰਗਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਿਆਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੌਮ ਪ੍ਰਤੀ ਬੜੀਆਂ ਨਾ ਪੱਖੀ ਗੱਲਾਂ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਕਲ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਵੈਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਜਿਹਾ ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਰ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਛ ਐਸੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ, ਉਹ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਨਸਿਵਲਾਈਜ਼ਡ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਕਲ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਡਿਲੀਬਰੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਪਰ ਅਖੀਰ ਉਸ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਫਿਰ ਸਿਦਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਘਰੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਡੂੰਘੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇ ਹੋਈਏ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਧੂ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬੇਘਰੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਸ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ 'ਚ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਆਈਡੀਅਲ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇ ਕਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਏ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੀ, ਉਸ ਕੌਮ ਨੂੰ 20ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਐਸੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪਿਆ, ਐਸੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਹੋਈ ਔਰ ਉਸ ਕੌਮ ਦਾ ਹਰ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਹਰ ਬੱਚਾ, ਹਰ ਮਾਂ, ਹਰ ਭੈਣ ਲੜਦੇ ਲੜਦੇ ਮਰ ਗਈ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਕੌਮ ਸਫਾਏ ਹਸਤੀ ਤੋਂ ਮਿਟ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏ। ਪਰ ਅੱਜ
जिस जलालत दे विच नवंबर 84 तो बाद उन्होंने रिएक्शन सन कि जिस जलालत दे विच असी जो रहे जिवें साडियां पगां दिल्ली दियां सड़कां ते हिंदुस्तान दे शहरां गलियां कूचियां दे विच रुड़ियां ने, जिवें साडियां मातावां भैणां बच्चियां उन्हां नूं बेआबरू होईयां ने, जे ये सब कुछ देख के भी असी जोंदे हां ते लख लानत है साडे जोड़ ते। उन्हां दे शब्द इस किस्म दे हार्श हुंदे सन। सो मैं समझदा कि इस सारे सफर च इन्हां 25 वरियां तों बाद मैं अपनी कौम तो ब्यास नहीं है। और कदे अलामा इकबाल जिहड़ा इस तरह दे अप्स एंड डाउन इंटेलैक्चुअली निकलता होएगा, जदों उसने कॉन्सैप्ट दिता पाकिस्तान का, उहदा कोई बायर नहीं। बहुत मुश्किल नाल उन्हें मुहम्मद अली जिन्हां नूं कन्विंस किया, एक बार जिन्हां भी इन्ना फ्रस्ट्रेट होया अपनी कौम तो वह जाके लंडन प्रैक्टिस करन लग गया, 3-4 साल उत्थे ही रहे। उन्हों डॉक्यूमेंट भी पबलिश होए ने जिहड़े इकबाल ने लिखे, जिन्हां नूं चिट्ठियां लंडन दे विच कि तेरी कौम की है, उसका फ्यूचर की है, तो इको एक तू ही है जिहड़ा आके अपनी कौम की बेड़े नूं बन्ने ला सकते हैं। इकबाल दियां उन्हां लिखतां तो मुतासर हो के फिर कायदे आजम वापस मुड़िया, तो किवें उसने लीड किया, एक पार्ट ऑफ द हिस्ट्री है। तो वही इकबाल कितने कहते कि इतना भी नहीं ना उम्मीद इकबाल, अपनी किश्ते विरान से जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। कि मैं इन्ना भी बेउम्मीद नहीं हाँ अपनी कौम तो, अपने वीरां तो, सिर्फ इस मिट्टी दे विच थोड़ी जी नमी की लोड़ है, थोड़ी जी इस दे विच वेटनेस होनी चाहिदी है, ते बड़ी जरखेज है ये जमीन। मैं समझदा हां 5.5 सदियां च जिस कौम ने वो इतिहास सिरजे, मैं एक सिख होने के नाते नहीं, जे एक इतिहास का विद्यार्थी भी होव, अपने फेथ को एक पासे रख के भी एनालिसिस करा 5-6 हज़ार साल की ह्यूमन हिस्टरी का, ये कोई छोटी गल नहीं है कि उस धरती के उत्ते वो जिहा मनुख सिरजिया गुरु ने, जिस मनुख को इबादत एक रब के नाल जोड़िया, उसनू जबान दिती गुरु अंगद साहब ने, किवें गुरमुखी नू सवारे, उसनू गंगा जमुना गोदावरी सरस्वती कल्चर चो कढ के उस ब्यासा दे कल्चर नाल जोड़िया। ये एवें नहीं है कि रावी दे कंडे गुरु अर्जन साहब की शहादत है, गोइंदवाल ब्यासा दे पानिया दे विचों बौली निकलती है, तो सतलुज का पानी उस बाटे दे विच जिस चो अमृत तैयार किया जाता है, सतलुज का पानी पाया जाता है। कदे देखो किवें गुरु ने सानू गंगा जमुना गोदावरी दे उस सारे 84 चो ब्राह्मणवाद दे कढ़िया, ये वक्री गल है। अज असी जाके मुड़ स्कूल विच डिग पई है तो एक वक्री गल है। गुरु अमरदास जिन्हां ने वो यूनीकनैस दे नाल अज औरतां दे हक्कां दी गल हुंदी है, दीवान च बैठे भी ये मेरे मन ख्याल आ रहे, कदे क्रिश्चन से डिबेट होंगी कि जी लास्ट सफर जीसस का होया, 13 उसके नाल कुल उदे चेले उदे समेत सन, तो उदे च कोई औरत नहीं सी, फॉर दैट रीजन उनू प्रीस्ट बनन का हक नहीं, फॉर दैट रीजन वो रिलीजियस सर्विसिज नहीं कर सकती। हालांकि जेडे अज इनू चैलेंज करते हैं वह कहते हैं वो मोरोन्स Who was cooking for those 13 people? वो तो किचन दे विच सन बीबियां। तो मैं देखदा अज बेशक असी अपनी माता जी की याद नूं सैलीब्रेट कर रहे हैं, पिछले 3 दिनों तो किवें साडियां मातावां ने, किवें साडियां भैणां ने, किवें साडियां बच्चियां ने निरंतर इस सेवा का कुंभ कीता, और ये सानू फखर करन वाली गल है कि ये साडा वो हिस्सा है। कदे गुरु अमरदास जी ने 22 मंजियां दे विच उन्हां बीबियां नूं थां दे के ह्यूमन हिस्टरी दे विच नवीं चेंजेस कीतियां होईयां। गुरु रामदास वो यतीम बच्चे, बहुत बार अज भी जदों असीं जे जस्सा सिंह आलूवालिया की गल करिए, अकाली फूला सिंह की गल करिए, जिन्हां ने अगवाई दित्ती है उस सारी 18th century, किसी की माता नहीं है, किसी का पिता नहीं है, कई 5-6 साल तक होंगे दोवे नहीं ने, पर पंथ एक वो
ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਆ 40-45 ਸਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਦੇ ਘਰੂ ਘਾਰਿਆਂ ਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ 1766 ਝੰਡਾ ਜੁੜਦੇ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਕੌਮ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਏ ਜੇ 1783 ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਝੰਡਾ ਝੁਲਦੇ ਉਹੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਕੌਮ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਏ ਇਹ ਪੰਥ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਾਨਸੈਪਟ ਸੀ ਜੇ ਪੰਥ ਨੇ ਸ਼ਖਸੀ ਰਹਿਣੀ ਪੰਥਕ ਰਹਿਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਕਾਨਸੈਪਟਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੱਟ ਆਫ ਲਾਈਨ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਆਈਡੀਅਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰੋਲਿਆ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਲਦੇ ਹਾਂ ਇਵੇਂ 20th ਸੈਂਚਰੀ ਬਿਗਨਿੰਗ ਤੱਕ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਬਣ ਗਿਆ ਜੋ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਸੰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਈ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਲਿਆਈ ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਲਿਆਇਆ ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਲਿਆਇਆ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਔਰ ਉਹੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਡਾ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਪਰਮਾਨੰਦ ਨੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਵੈਰਾਗੀ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਥੇਦਾਰ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਵੈਰਾਗੀ ਲੈ ਚੱਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਡਾਕਟਰ ਗਿੰਡਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਾਈਡ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਗ੍ਰਸਤ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਟੈਸਟ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਸਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾਲ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ 3.5 ਸਾਲ ਦਾ ਅਜੈ ਸਿੰਘ ਉਹਦੀ ਗੋਦ ਚ ਪੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸਦਾ ਦਿਲ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਂ ਜਿਗਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਤੁਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਔਰ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਤੀਦਾਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਪਿੰਜਰੇ ਵੱਲ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਾਰਮ ਚ ਤੇ ਉਹ 4.5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਸਾਂਭਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਨੇਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਟੰਗਣ ਗਲਾਂ 'ਚ ਹਾਰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੁਣ ਉਹ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਸ 'ਚੋਂ 100% ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਜੇ ਭਾਈ ਸੁਮੇਖ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹਾਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦਾ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਾਜ਼ੀ ਸੁਮੇਖ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਮਰ ਭੋਗ ਲਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹੋ ਕਿ ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਏ ਤੁਹਾਡੀ ਜੜ ਤਾਂ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਭਾਈ ਸੁਮੇਖ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਨੇ ਸਾਂਭਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਮ ਕਾਰਨ ਗੁਰਕੁਲ ਗਵਾਈ ਹਮ ਕੁਲ ਰਾਖੇ ਕਵਨ ਵਡਾਈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਰਬੰਸ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਇਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪਰ ਵਾਰ ਦੀਏ ਸੁਤ ਚਾਰ ਚਾਰ ਮੂਏ ਤੋਂ ਕਿਆ ਹੋਆ ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪਰਖ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸਿੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇਖਣ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਪਜੀ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚਾੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦੇ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤੇ ਰਹਿਣ ਕਿਤੇ ਪੌੜੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਆ ਜਾਣ ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਉਤਰ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ ਕਦੇ ਵੀ ਬਚਪਨ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਔਰ ਹੁਣ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਸਾਡੇ ਜਿੰਦੇ ਸੁੱਖੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਫਲਾਣਾ ਸੀ ਫਿਰ ਇਵੇਂ ਆ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਪਿੰਡ ਪੰਜਵੜ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਕਿ ਕਦੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸਲ ਜਿਹੜੀ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਪੰਗੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਉਹ ਬੇਸ ਸੀ ਪੰਜਵੜ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਖੇ ਭਾਣੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਸੂਰ ਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆ ਕੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕੇ
पुकार करते कि मेरी घरवाली नूं लै गया कसूर दा नवाब तुर पैंदे ने अरदास करके सब तो अगे हरी सिंह है ओही कहिंदे वी नहीं हुण वापस आ गए प्रशादे छकांगे पहला इस गल दा जरा डैरी है बदला इह उहनां नूं छडा के लै आईए सो इह जिहड़े करैक्टर ने उहनां घरां च उहनां आले दुआले च उहनां पिंडां च जिहनां पिंडां दे विच गुरद्वारे लैके आ कोई फिक्र नहीं है भजे फिर नहीं बहते असं बेराम हो जाते हैं कई बार डांटन लग नहीं उन्होंने एक कल्चर गुरद्वारा साहब गुरु ग्रंथ साहब सिखी अदब अदाब इस कल्चर एक्सपोजर मिलते उन्हों कद नहीं भूल सकते और जे वो निकल भी जाएंगे कद वो वापस परत आएंगे सो मैं समझदा हां कि अज मैं फख्र महसूस करदा हां कि मेरी कौम ने और खास तौर पर डायस्पोरा सिख वीर भैणा ने उन्होंने नुमाइंदा जथेबंदियां ने जिस कदर तुसी मान दते जिस कदर तुसी विश्वास दते हालांकि लाइटर सेंस मेरे मित्र मिस्टर अहमद शेख जिन्हों की याद कुछ महीने पहला ही इस स्थान पर ही उन्होंने पाठ का भोग पाया गया उन्होंने याद भी बाई साहब का साथ सी ते वो पब्लिक ग्लेयर तो बहुत पिछे रहते बच के रहते पिछे जिन्ना कि मेरा कानना बहुत बड़ा योगदान उन्होंने सी कद कद राइटर वे चो ये कहते हैं कि भी सिर्फ त ना तो अल्लाह मियां भी अपना चंगा लगता कहते ताइए असं अल्लाह मियां का ना लेंगे सो बहुत बार सिर्फ चंगी लगती है पर इसके बावजूद मैं समझना है कि जो जिम्मेवार वीर भैणा इस कदर फेथ विश्वास होप देंदे ने तो इस जिम्मेवारी का एहसास भी बहुत ज्यादा बुरा दूंगा मेरे लिए बड़ा टचिंग जेस्चर सी कि सिख सेंटर ऑफ वर्जीनिया के प्रबंधकों ने दस्तार संगत की हजूरी के मैं दिती मैं समझदा कि बेशक एक समाजिक रस्म रही है पर गल लैगेसी भी है कि उस लैगेसी को तुम अगे तोरने जो ग्रस्त की गल आती है तो मैं गुरु हरगोबिंद साहब के शब्द अक्सर दोहराने जेडे उन्होंने समर्थ रामदास जो शिवाजी मरहट्टा का भी मां जीजाबाई का गुरु से सो ऑबियसली शिवाजी का भी सी ते जेडे दो करंट हिंदुस्तान के फ्रीडम के चले सिख या बाद मराठा मराठा करंट की इंस्पीरेशन भी जी है वह सिख मूवमेंट से यह समर्थ रामदास गुरु हरगोबिंद साहब को गढ़वाल के इलाके मिले ये गढ़वाल कश्मीर वैली वाला नहीं यह श्रीनगर श्रीनगर च मिले ये गढ़वाल वाला जिते उत्तराखंड त्रासदी हुई तो उसने देखा गुरु साहब जाहो जलाल पहरेदार हथियार परिवार बच्चे वो टर्न ऑफ होया जिन्हें अंग्रेजी कहा जाता है तो उसने अपनी यह शंका जाहिर की कि यह सारा की है तो गुरु साहब का जवाब सी औरत ईमान दौलत गुजरान पुत्र निशान फकीर ना हिंदू ना मुसलमान शस्त्र गरीब की रखिया जरवाने की पखिया तो समर्थ रामदास का जवाब सी ये बात मेरे मन को भावती है और वही समर्थ रामदास उस मराठा रेवोल्यूशन का जीजाबाई शिवाजी को इंस्पायर करने वाले हूँ इतने गल पुत्र निशान की और पुत्र का मतलब सिर्फ मेल्स नहीं है पुत्र पुत्री है क्योंकि एक करियर ने साड़ी लैगेसी दे साड़ी वैल्यू सिस्टम दे जे पुत्र फेल नहीं होंगे ने तो माई भागो निकल आदि जे लाहौर दरबार सारे का सारा मर्दा है वो सरेंडर कर देंगे तो फिर जिंदा निकल आती है जिसे बारे अंग्रेजा दुफिया डायरिया लिखा हुआ है शी इज द ओनली मैन इन द लाहौर कोर्ट एक कोई मर गए ही है बाकी सारे पीते हुए सो ये जी निशान की गल है यही है जी लैगेसी को अगे तोड़न की गल है कि तुम इस माण के नाल इस दस्तार के नाल इन्हों प्यारिया और बड़िया होपफुल गलों के नाल मैनू होर पक्या किते कि जिहड़ी जिम्मेवारी जिहड़ा फर्ज एक सिख के नाते एक अणखी सिख के नाते क्योंकि सिख और अणख मेरा ख्याल है सिनोनिमस शब्द ने और अक्सर मैं ये कहना कि जे सिख चो टैं कढ़ दिओ
तो फिर सिख के पले भी की है। बाकी तो साढ़े पांच सदियों तो पहला भी लोग रब न तो मानते ही सी, थोड़े स्कूल ऑफ थॉट ने बड़ा कुछ सी, कोई पुट्ठा लटक रहा है, कोई पहाड़ से चढ़ गया है, सीधा योगियों दी करामात उड रहा है, बोल रहा है महेश योगी की ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन वाले बैठे बैठे गुड़कते रहते हैं, बहुत सारिया करामात को योगी हफ्ता हफ्ता दिल की बीट रोक लेंदा है, बड़ा फैसिनेट करता है अमेरिकन किए हुए, यह सारिया गल उदो भी एग्जिस्ट कर दें। पर बाबे नानक ने वो सिख उस धरती के उत्ते लिया जिसने जालम दिया अखा चखा पा के कह नॉट एक्सैप्टेबल, ये नहीं होएगा। उस लोधी पठाणा कह, वो बाबर न कह, वो फिर हमायूं क्या, वो जहांगीर क्या, वो शाहजहां क्या, वो औरंगजेब न कह, और अज भी सं जरनैल सिंह खालसा पिंडा वाले ने इंदिरा गांधी की अखा चखा पा के कह नॉट एक्सैप्टेबल। यही साड़ी टैं ते हुकूमत राज कोई 16-18 जिले का एक खिता हो तो सारी दुनिया साध दी है। बाबा कबीर कह गए हैं कि जी ये चोर आ गए ने कबीर धरती साध की। पर गल यह है कि जब वो फलसफे टकरते हैं उन्होंने टकराव होंगे फिर होंगे कि किस थॉट ने एग्जिस्ट करना है कि वर्ण आश्रम दे उस दबी उस बेईमान उस मकार उस मीन कल्चर ने एग्जिस्ट करने जब गुरु नानक दे सरबत दा पला अखां दे विच वो लिशक है रूह जिहड़ी है निरंकार दे नाल मिली हुई है पूजा अकाल की पर्चा शब्द का दीदार खालसे का यह वैल्यू सिस्टम है लड़ाई थॉट्स की। और जदों पूरन सिंह वर्गा पंजाब का वो फिलोसफर जिसकी रूह सारे पंजाब के पास्ट ते प्रेजेंट नूं उन्हें सुरत के खंभों के उत्ते चढ़ के महसूस करती है तो जो वो पंजाब के गुरु नानक की फिजा की गल करते हैं सिख वाल देखते हैं तो कहते तुरथी आजाद ये सतगुर के बंदे सतगुर के बंदे ने तुरथी आजाद है इन्हों कौन गुलाम बना सकते। तो फिर जो पंजाब वाल देखते हैं ये शब्द सानू याद करवाते हैं सिख को डिफाइन किया उन्होंने एक एक कपलेट ही सिख की डेफिनेशन है बाकी तो चलो ठीक है साड़ी रहत मर्यादा ने डिफाइन किया सिख कौन है। पर स्पिरिट ऑफ द सिख ये है बहुत बार एक लैटर्स ने एक स्पिरिट है असी बहुत बार लैटर्स के पिछे ही सारी एनर्जी वेस्ट करते जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्सेप्ट में कहना एक लैटर एंड स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। लैटर बहुत सोहने ने कॉन्स्टिट्यूशन के दुनिया के सारे संविधानों की नकल मार के सब तो वड्डा संविधान लिखे पर स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मनुवादी है। ये मनुवादी ना होए नवंबर 84 गुजरात मैसेकर क्रिश्चियन वही जज बैठे आहो फिर पटीशन जी है दविंद्रपाल सिंह भुलर की री जी नजर सानी की सी खारज हो जाती है। आ 15 अगस्त होया तिलक विहार के कातलों दया पीड़ा उवें इकट्ठिया करके फिर सिखा के उत्ते आ पैदा की बदलिया उस सिस्टम के लिए। सो लैटर्स की गल डिफरेंट है गल स्पिरिट की है। और कई बार वो बड़ी एक डिबेट होंगी है इस्लाम के हवाले नाल सूफी इस्लाम की है वहाबी इस्लाम की है। मैं हार्वर्ड के प्रोफेसर की एक लाइन इन्हों का समझ आ गया उन्हें कह दिए वहाबी दे आर स्टिकिंग टू द लेटर और शरा ऑफ इस्लाम एंड दी सूफीज दे हैव अंडरस्टूड द स्पिरिट ऑफ इस्लाम के नाम है। हूँ यह गल जब पूरन सिंह देखते हैं सिख से तो कहते हैं ये बेपरवाह पंजाब के मौत को मुखौला करण मरण की नहीं डरते प्यार नाल ये करण गुलामी जान को अपनी वार देंदे पर टै ना मनण किसे दी खलो जान डांगां मोढ़े ते उलार के। हुण ये सिख नूं डिफाइन कीते कि जिद्दन तुसीं टै मन लईए तुहाडी टै तोड़ दित्ती फिर असीं जो मर्जी होईए असीं सिख नहीं है। और मैं समझदा हां कि ये साडा संघर्ष जिहड़ा टैम कायम रखण दे सरबत दे भरे दे इस पंथ नूं उस धरती दे उत्ते ब्राह्मणवाद दे उस खारे समुंदर च डुबण तों बचाउण दे तुहाडा इह सारा काफला तुहाडा साथ असीं सारे बराबर दे हैं भाई भाई हैं कोई वड्डा लीड तां जिहनूं मर्जी गुरु दवा दे पर साडा कंसैप्ट बराबरी दा हुंदा है। पंजां प्यारियां च वी कदे फैसला तीन दो नाल नहीं होंदा कंसेंसस का कंसैप्ट है भावें पंजां दा स्पोक्समैन जथेदार तो होंदे जिहड़ा गल समझांदे
पर गल बराबरी भी है, पर एक गल जे ये मन के तुरिए कि अल्टीमेटली जे रतन सिंह कपूर नूं ये गल समझ आई, उन्हें कैप्टन मरे नूं समझाई, दूजियां नूं समझाई कि ये खालसा बादशाह जब आ गई, हुण ये प्रोफेसर पूरन सिंह दी टैं दी गल नूं कोडीफाई करना, कोड च देना, सिख कोड च दिता है उन्होंने, पंथ प्रकाश दिता है कि खालसा बादशाह जब आ गई, क्योंकि गुलामी स्टेट ऑफ माइंड है, टेरिटरी है नहीं है इंपॉर्टेंट नहीं, पर तुहाडी आजादी बादशाहत सॉवरनिटी कले कले निहंग सिंह दे सिर ते दुमाना जां उस दे उत्ते जिहड़ा फरला जिहनूं कहिंदे ने, फरला की है, आ झंडा हुंदा निशान साहिब है की है इहदे उत्ते लग्गा फरला, कि कला कला सिख सॉवरन है, जदों कहिंदे सी कि भाई ये तो हम बादशाही सतगुर देई हन्ने हन्ने लाए जय जय वह जमीन मन कहता है तख्त बनाए, इस घोड़े के हने पातशाही बनी हुई है, जिते एक सिख बैठेगा उत्थे उहदा तख्त है, क्योंकि वो अपना फैसला आप कर दे, वो डिसाइड कर दे उन्हें की करना है, अगवाई वो अकाल पुरख तो मंग दे ते काल ना माने किसे किसे की काल नहीं मानते, ये फ्रीडम है। और जे ये गल समझ आ जाती है फिर कुर्बानियां शहीदियां विछोड़े एग्जाइल मिलना ना मिलना ये गल कोई अहमियत नहीं रखती, क्योंकि ये सारे उस प्यारे की खेड दे विच, प्यारे की गली दे विच, उस प्यारे दे नाल कीते हुए करोल ने, ये तो उस गुरु नानक साहब का बेसिक मैसेज है, श्लोक वारा ते वलीक च असी पढ़ते हैं, जौ तो प्रेम खिलन का चाओ सिर धर तली गली मेरी आओ, इत मारन पैर तरीजे सिर दीजे कारण नतीजे, कि जे तैनू प्यार की खेड खेड का शौक है तो सिर को तली ते रख ले ते मेरी गली विच आ जाए, इस रस्ते ते जिसने भी पैर पाया उसने सिर दे दिता है, पिट नहीं दिखाई है, सतगुरु बख्शिश करन, जिते असी माता जी लई अरदास करांगे कि देहो सजन असीसरियां जो होवे साहिब सो मेल, उत्थे ये भी गुरु तो मंगिए कि सतगुरु सानू हिम्मत देन समर्था दे, सानू सब नू ये केसरी काफला ये गुरु का पंथ, जिस पंथ दे लई गुरु ने अपने बिंदी पुत्र कुर्बान किए, बहुत बार खालसे ने शब्द साडे इतिहासक लिखता जो नादी पुत्र आंदा है ते असीं पढ़ लैने नाद शब्द नू कहिंदे ने, गुरमुख नादन गुरमुख वेदन, जो तुसीं पढ़दे नाद का मतलब शब्द है, बिंद बायोलॉजिकल साइंस है, कि गुरु साहब ने अपने बायोलॉजिकल संस चारों पुत्र जिहड़े उस फैमिली इनहेरिटेंस है वो कुर्बान किए, ताकि उन्हां दा नादी पुत्र जिहड़ा नाद चो पैदा होया शब्द चो पैदा होया, शब्द बाणी तुर्की बाणी अमृत बाणी पढ़ के तैयार किया जाता है, अमृत दे पुट बाणी दे नाल ही निश्चय और किसे नूं पुगाणा है, एवें नहीं जे सीस दे उत्ते आरा रखे ते भाई मतीदास उपर हथ ला के उन्होंने कहते हैं जलाद नूं आरा प्यारा लगत है कारा करो बनाए, प्यारा बड़ा लगता है पर इहदे दंदे जिहड़े ने खुंडे ने इन्हां नूं जरा तिखियां कर ते जप जी शुरू हो जाते, जे गुरु तेग बहादुर साहिब शहादत दे लई जाते हैं ते जप जी पढ़ते हैं, हुण ये जप जी दीआं पौड़ियां गुरु साहब दे तां अंदरों जप जी निकली है, गुरु तेग बहादुर साहिब नूं की लोड़ है वो कहण दी कि मैं जप जी का पाठ कर रहा, क्योंकि ये अल्टीमेटली साड़ी उस प्यार की याद में दोहराणा है, गावे को गुण वड्याईआं चार, गावे को विद्या विखम विचार, गावे को साज करे तन फे वे साइड रॉबर्ट्स, नथिंग मोर देन दैट, कि जे तुहाडे कोल पोलिटिकल पावर ना हुई ते तुहाडे बच्चे ते उन्हां दे बच्चे ਅੱਗੋਂ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਚਪੜਾਸੀ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਮਲਕੀਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਮਲਕੀਤਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਜਾਂ ਲੁਟੇਰੇ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀਨ ਹੈ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੀਏ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਗੋਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸ ਉੱਦਮ 'ਤੇ ਰਾਜ ਮਿਲੇ ਸ਼ਤਰੂ ਤੇ ਸਭ ਹੋਵੇ ਮਿੱਤਰ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਆਪ ਮਾਲਕ ਬਣੋ ਆਪਣੀ ਡੈਸਟੀਨੀ ਆਪ ਘੜ ਸਕੋ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਤਰੂ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਫਰਾਂਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਰਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ
ना बेल्जियम सरकार दे तरले करन दी लोड़ है। यही असि कही जाइए जी वेख लो ऐत की 15 अगस्त नूं फिर की कर दिता है जी भुलण दे नाल की कर दिता कदों तक यह वर्तारा रहेगा। वह रगड़ लुट लेंदे जिहड़ी संगत आनंदपुर साहब आउंदे सी रोज संगत ने कहना जी आह लुट लिया घोड़े लियांदे सी जी तुहाडे लई बसवंत दे उत्थों लियांदे सीगे कंधार तों बड़े शमियाने लियांदे सी। पर गुरु साहब ने एक दिन कहा जी जो आउंदा यही कहता है भी रगड़ ने संगत लुटी है कोई ये क्यों नहीं कहता भी संगत ने रगड़ लुटे ਇਹ ਬਿਜਨੌੜ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ। ਫਿਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦਸਤਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਉਹ ਚੜ੍ਹਾ ਛਕਾ ਕੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਜੋ ਕੁਛ ਆਪਣਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਟਿਮ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲਏ ਠੀਕ ਹੈ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਅਗਰੈਸਿਵ ਸਟੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਉੱਦਮ 'ਤੇ ਰਾਜ ਮਿਲੇ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ 'ਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਰ ਆਪ ਜਾਗਣਾ ਪਏਗਾ ਯਤਨ ਤਾਂ ਆਪ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਆਇਆ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੇਵਾ ਦਾ ਪੱਖ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜੇ ਮੈਂ ਲੋਕਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਛਿਪੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚਾਅ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਲਈ ਖਿਮਾ ਦੀ ਜਾਚਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।